Now the next chapter, chapter number 12, and the name of the chapter is Things at My Home. वो चीज़ें जो मेरे घर में पाई जाती हैं. हम सब के घरों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अब मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊंगी. नंबर वन, टेलीविज़न. सबके घर में टीवी होता है, मेरे भी घर में है और आपके भी घर में होगा. आप टीवी पर क्या देखते हैं? अपनी पसंद के कार्टून और मूवीज. द नेक्स्ट वन, मिरर. सबके घर में होता है शीशा. शीशे के आगे खड़े होकर हम तैयार होते हैं और मम्मा क्या करती हैं? मेकअप करती हैं. द नेक्स्ट वन, चेयर. सबके घरों में कुर्सी होती है, मेरे भी घर में क्या है? कुर्सी है. गीजर. गीजर कहाँ लगा होता है? बाथरूम में लगा होता है. गीजर की हेल्प से गर्म पानी मिलता है हमें. द नेक्स्ट वन इज अलमीरा. सबके घरों में अलमीरा होती है. हम अपने कपड़ों को और कीमती सामान को कहाँ रखते हैं? अलमीरा में रखते हैं. द नेक्स्ट वन इज बेड, जिसे हम पलंग कहते हैं. सबके घरों में होता है बेड, और बेड जिस रूम में रखा जाता है उसे हम कहते हैं बेडरूम. द नेक्स्ट वन इज निडल. निडल मतलब सुई. अगर कोई कपड़ा फट गया है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, तो मम्मा उसे सिलती है किसकी हेल्प से? निडल की हेल्प से. द नेक्स्ट वन इज सीजर, मतलब कैंची. कपड़े को काटने के लिए, कागज को काटने के लिए किसका यूज़ होता है? सीजर का. लेकिन बच्चों, आपको सीजर से नहीं खेलना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये एक शार्प ऑब्जेक्ट है. द नेक्स्ट वन इज म्यूजिक सिस्टम. सबके घरों में म्यूजिक सिस्टम होते हैं. हम सब म्यूजिक सिस्टम पर क्या सुनते हैं? अच्छे अच्छे गाने सुनते हैं. डस्टबिन. हमारी घर का जितना भी गार्बेज, मतलब कूड़ा होता है, उसे हम कहाँ डालते हैं? डस्टबिन में. टेप, लैम्प, टेलीफोन. सबके घरों में टेलीफोन होता है. आजकल कम होता है. क्यों? क्योंकि सबके पास क्या है? मोबाइल फोन है. द नेक्स्ट वन इज ड्रॉर. बेडरूम में हम ड्रॉर को रखते हैं, किचन में भी रखते हैं, और भी बहुत जगह हम ड्रॉर को रख सकते हैं. ड्रॉर में डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट होते हैं, इनमें हम अलग अलग चीज़ों को रख सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज नेल कटर. नेल्स को ट्रिम करने के लिए नेल कटर यूज़ किया जाता है. हम सबको वीक में कम से कम दो बार अपने नेल्स को ट्रिम करना चाहिए. द नेक्स्ट वन इज वास. वास में क्या लगाते हैं? सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगाते हैं. द नेक्स्ट वन इज शोकेस. शोकेस वो जगह है जहाँ पर हम अलग अलग चीज़ों को रखते हैं, लाइक डिफरेंट टॉयज, वास, और भी बहुत चीज़ें हम शोकेस में रखते हैं. नाउ द टाइम फॉर द आंसर टाइम. वेयर डू यू कीप योर टॉयज? आप अपने टॉयज कहाँ रखते हैं? वी कीप आवर टॉयज इन शोकेस. SHOW, शो, CASE, केस, शो केस. वट गिव यू हॉट वाटर? आपको गर्म पानी किससे मिलता है? हमें गर्म पानी गीजर से मिलता है. द नेक्स्ट वन इज वेयर शुड वी थ्रो द वेस्ट मटीरियल? हमें वेस्ट मटीरियल कहाँ थ्रो करना चाहिए? हमें वेस्ट मटीरियल को डस्ट बीन में थ्रो करना चाहिए. DUST, डस्ट, BIN, बिन, डस्ट बिन. नाउ सम मेमोरीज. ऑल थिंग्स केप्ट एट होम आर यूजफुल एंड असेंशियल फॉर अस. जितनी भी चीज़ें हमारे घर में होती हैं, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं, और हमें उनकी क्या पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है. हर एक चीज़ का डिफरेंट वर्क होता है जो हमें बहुत हेल्पफुल होता है.